जींद के भिवानी रोड स्थित सीआईए चौकी में देर रात दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अपनी कार्रवाई में हमलावरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस मामले में कई हमलावर घायल हो गए तथा कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रात को दर्जनों हमलावर दो आरोपियों को छुड़वाने आए थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों पुलिस ने आरटीओ की गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाकर लोकेशन ट्रेस करने के एक मामले का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों जगमेंद्र और अमन को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि हमलावर इन आरोपियों को छुड़वाने आए थे। इस मामले में पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया तथा छह महिलाओं सहित कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या मामला था सर जो कल पुलिस पार्टी पर हमला हुआ? हमें सूचना प्राप्त हुई कि डिटेक्टिव स्टाफ पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने, जिनमें कुछ महिला और पुरुष थे, हमला कर दिया है। इस सूचना पर हम कार्रवाई के लिए मौका पर पहुंचे थे और वहां पर जाकर देखा तो काफ़ी महिला और पुरुष इकट्ठे हुए थे, जिनमें से काफ़ी झगड़ा कर रहे थे और जिनमें से 11 व्यक्ति व 6 महिलाओं को हमने मौके पर ही अरेस्ट कर लिया। मामला क्या था, क्यों गिरफ्तार किया? मामला ये था, हमारे डिटेक्टिव स्टाफ जींद ने दो व्यक्ति जिसमें अमन और जोगिंदर नाम का व्यक्ति था, उनको अरेस्ट किया हुआ था। उसको छुड़वाने के लिए, अवैध तरीके से छुड़वाने के लिए उन्होंने डिटेक्टिव स्टाफ पर हमला किया। इसमें कितने पुलिस कर्मचारी घायल हुए? इसमें करीब 4-5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो सर, ये आटो गाड़ी के जीपीएस का मामला था क्या? हाँ, जो अब तक का पता चला है कि जो दो व्यक्ति जोगिंदर और अमन गिरफ्तार किए हैं डिटेक्टिव स्टाफ ने, उन्होंने आरटीओ की गाड़ी पर जीपीएस लगा हुआ था, जिस कारण सरकार को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था और चालान वगैरह कम हो पा रहे थे। इसी संबंध में पता लगा और उनके खिलाफ सबूत गुजरने पर डिटेक्टिव स्टाफ ने उनको अरेस्ट किया। तो फिर फिलहाल की बात की जाए, पूर्व विद्यालय में कैसे अरेस्ट किया गया था? हमारे यहाँ पर 148, 149, 253, 432 और 427, 506 के तहत FIR दर्ज की। इनमें हमने 11 पुरुष और 6 महिलाएं, टोटल 17 को हमने अरेस्ट किया। सर, चुटवाने को ना था सर, गांव वाले हम गांव वाले आए थे। तो कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ, इनको नई का रस्ट भेज दिया जाएगा, कोर्ट में पेश कर रहे हैं आज इनको।